धीरे धीरे जो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार प्रेशराइज करवा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तो आप सीएम सर से पर्सनली मीटिंग करें। हर बार मेरे मुंह पे एक ऐसा तमाचा, हर उस लड़की के मुंह पे वो एक ऐसा तमाचा मारने की कोशिश करते हैं। आज से 8 महीने पहले मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेन दी थी, जिसको 8वां महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है और जिसपे इतनी संगीन धाराओं में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की है। साथ ही FIR के तकरीबन 10-15 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो चंडीगढ़ की, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन सिट गठित की थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी गैर जमानती धाराएं हैं वो ऐड की हैं। और इसके साथ पिछले इतने टाइम से अभी तक ना ही तो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने इसमें अभी तक कोर्ट में कोई चार्जशीट दी है, और इसका जो भी इसकी इतनी नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, ये इसमें जो सिट है उसने मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेशन में झूठा बांटते हुए हमारी माननीय अदालत में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक कंप्लेंट की थी, एक मुकदमा दर्ज किया था जिसके तहत हमारी चंडीगढ़ सिट इन्वेस्टिगेशन टीम को साफ तौर पे काफ़ी 3-4 पॉइंट्स के साथ ये लगा था कि मिनिस्टर है वो इन्वेस्टिगेशन में ना ही तो कोऑपरेट कर रहे हैं और शरेआम झूठ बोल रहा है काफ़ी सारे फैक्ट्स को लेके, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने माननीय अदालत से ब्रेन मैपिंग के लिए एक अर्जी लगाई थी, जिसके तहत संदीप सिंह ने हमारी माननीय अदालत का तकरीबन 4 महीने कीमती टाइम बर्बाद किया और 5वें फाइनल वार्निंग के तहत हमारे जज सर के वार्निंग के तहत जो उनको एक 5वां चांस मिला है उसमें उन्होंने बोल दिया मैं किसी भी प्रकार का ना ही तो कोई नार्को टेस्ट कराऊंगा ना ही कोई ब्रेन मैपिंग कराऊंगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, नो डाउट मुझे हमारी अदालत पर पूरा विश्वास है, और अभी इतने टाइम से मुझ पर धीरे धीरे जो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार प्रेशराइज करवा रहे हैं, काफ़ी हालात काफ़ी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसमें मुझे इस केस से पीछे हटने के लिए मेरी कंप्लेंट विड्रॉल करने के लिए काफ़ी प्रेशर बनाया गया। अभी रिसेंटली पिछले 4 महीने पहले जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक एथलीट हूँ और उसमें 4 महीने पहले से डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ के अधिकारियों ने मुझे काफ़ी बार बोला कि मैं सीएम को किसी भी संदीप सिंह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करूं, और जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मेरी फाइनली ट्रेनिंग बैन कर दी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, और जब मैंने रीज़न पूछा तो मुझे रीज़न ये दिए गए कि अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तो आप सीएम सर से पर्सनली मीटिंग करें, जिसको मैंने अवॉइड करते हुए पूरे तरीके से, क्योंकि देखिए इस लड़ाई में इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती कि वो हर किसी के साथ अपना इशू स्टार्ट कर दे, मैंने वो सब बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से अवॉइड करते हुए अपना पर्सनल लेवल पे अपनी फिटनेस बाहर कंटिन्यू रखी। उसके बाद धीरे धीरे अभी कुछ दिन से मुझ पर हायर अथॉरिटीज का काफ़ी प्रेशर चल रहा था कि अगर आपने यहाँ पे नौकरी करनी है तो आप किसी भी चीज़ में आप संदीप सिंह के मैटर में सीएम को टारगेट ना करें, तो उस चीज़ पे जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आप सब जानते हैं ये 10 तारीख की बात है अभी रिसेंटली, और मुझे एक हमारे मीडिया के माध्यम से एक लिस्ट भेजी गई जिसमें संदीप सिंह को झंडा फहराने के लिए हमारे सीएम सर ने अगेन, जो कि 26 जनवरी को भी एक यही किया था, दोबारा 15 अगस्त के दिन भी उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की, तो उसके तहत देखिए शुरू में हर कोई सबने मेरी मदद करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो यहाँ बीजेपी की सरकार है पता नहीं इनके किस डर और किस प्रेशर से जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ें उठाई वो धीरे धीरे काफ़ी शांत हो चुके हैं और ये लड़ाई मेरी अकेले की बच चुकी है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक हरियाणा निवास के सामने जाके एक सवाल रखने की कोशिश की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर जी, और उस सवाल का मेरा ये तात्पर्य था कि मैं एक विक्टिम होते हुए पिछले 8 महीने से इतना मुझे टॉर्चर किया जाता है, हर जगह से मेरे को कंप्लेंट विड्रॉल करने के लिए मेरे पे प्रेशर क्रिएट कराया जाता है, मैं एक विक्टिम हूँ और विक्टिम होते हुए मुझे एक अक्यूज से भी कहीं बदतर तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, चाहे वो मेरा खेल विभाग है या कहीं पे भी,
और जो एक्चुअल में जो अक्यूज्ड है उसको आज भी तिरंगा लहराने के लिए, उसको बार बार सम्मान देने के लिए मंत्री पद पर बना के बिठा रखा है। तो बीइंग ए विक्टिम, जब हमारे मुख्यमंत्री, आप सब इस चीज से, आप सबके ये सामने है और साफ तौर पे सामने है कि जो मुख्यमंत्री जी है, मैंने उन्हें कभी टारगेट नहीं किया। पहले दिन से वो सामने से आगे मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं एक अनर्गल लड़की हूँ, अनर्गल में बयान देती हूँ। और किस बिहाफ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जबकि उन्होंने आज तक मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, पहले दिन से वो संदीप सिंह को बचाने में लगे हुए हैं। बचाना ही नहीं, हर बार मेरे मुंह पे एक ऐसा तमाचा, हर उस लड़की के मुंह पे वो एक ऐसा तमाचा मारने की कोशिश करते हैं जिससे जैसे कि झंडा फहराने का, अभी रिसेंटली 15 अगस्त पे उन्होंने दोबारा वही किया। तो बीइंग ए विक्टिम मेरे लिए, मैं अपने राइट्स के लिए हर जगह स्टैंड लूंगी और मैं उनसे बार बार ये सवाल करती रहूंगी कि उन्हें ये राइट्स किसने दिए हमारे तिरंगे का अपमान करने के। साथ ही जो मेरे पे बार बार प्रेशर क्रिएट कराया जा रहा है पिछले 8 महीने से, तो उस संदीप सिंह को आज तक क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? वो एक अक्यूज्ड है और बहुत जल्दी, मुझे अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी हमारी जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी आएगा। क्योंकि जो मनोहर खट्टर जी हैं, ये बहुत लंबे समय तक हमारी कानून को धोखा नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर वो चंडीगढ़ पुलिस पे इतना प्रेशर बनाए हुए हैं कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन चार्जशीट देने में काफी डिले कर रहे हैं। और आज तक का ये MLA और मिनिस्टर्स का पहला एक ऐसा केस है जिसमें 8 महीने तक कोई चार्जशीट पुलिस ने अभी तक दायर नहीं की है।